आसानी से, लेकिन बचत करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का काम है। मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट आ गया। साल 2024 जो है वो लोकसभा चुनाव का साल है। उम्मीद थी टैक्स पेयर्स को, खासकर नौकरी पेशा मिडिल क्लास को, कि अब तो उनके लिए कुछ किया जाएगा, लेकिन हमें क्या मिला? एक्चुअली बहुत कुछ मिला हमें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने काफी कुछ दिया है। पहली चीज, अभी तक जिनकी कमाई 5 लाख तक की थी उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, दोनों ही टैक्स रिजीम में। सेक्शन 87A के मुताबिक अगर टैक्स पेयर की कमाई 5 लाख तक है तो टैक्स पेयर 12,500 रुपए तक का टैक्स रिबेट उसको मिलता है। अब ये रिबेट 5 लाख तक की कमाई से बढ़ाकर 7 लाख तक की कमाई पर कर दी गई है, लेकिन सिर्फ नए टैक्स रिजीम के लिए। दूसरी खुशखबरी, नए टैक्स रिजीम में इनकम एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। पुराने में कोई बदलाव नहीं है। 2020 में लाए गए नए टैक्स रिजीम में 6 इनकम टैक्स स्लैब थे, अब उसे घटाकर 5 कर दिया गया है। नए स्लैब कुछ इस तरीके से हैं: 0 से 3 लाख तक नो टैक्स, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, 15 लाख से ऊपर 20%। आज की घोषणा के बाद जिनकी सालाना कमाई 9 लाख है उन्हें कमाई का 5% यानी 45,000 रुपए टैक्स के तौर पर ही देना होगा। अभी तक उन्हें 60,000 देना पड़ता है। इसी तरीके से जिनकी सालाना कमाई 15 लाख है उन्हें 1.5 लाख यानी अपनी कमाई का 10% ही टैक्स के रूप में देना होगा। उन्हें पहले 1,87,500 रुपए देने पड़ रहे थे। नए टैक्स रिजीम में एक और खुशखबरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी वहां शामिल कर दिया गया है। सैलरीड लोग जिनकी कमाई 15.5 लाख या उससे ऊपर है उन्हें 52,500 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। अभी तक पुराने टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का। ये होता क्या है? वो रकम होती है जिससे आपकी आमदनी से सीधे सीधे काट कर अलग कर दिया जाता है। बची हुई इनकम पर ही टैक्स लैब के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। नए टैक्स रिजीम में हाईएस्ट सरचार्ज रेट 37% से घटाकर 25% कर दिया गया। इसका फायदा होगा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को। साथ ही नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के तौर पर देखा जाएगा। जो लोग पुराने टैक्स रिजीम को फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट नया वाला होगा। एक और बात कही है वित्त मंत्री ने कि सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। जो बहुत लंबे समय से बदलाव करना इसमें बनता था, फाइनली आज इसकी घोषणा की गई। क्या नहीं किया गया? पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं, एटीसी की लिमिट में कोई बढ़ोतरी नहीं, कैपिटल गेन्स टैक्स में हमें लगा था कुछ चेंजेस होंगे, कुछ घटेगा, नहीं, वहां पर भी कोई बदलाव नहीं। और आज जो चेंजेस या जो घोषणाएं की गई है न्यू टैक्स रिजीम को लेकर वो सब इसी इस डायरेक्शन में इशारा कर रही है कि नया रहेगा, पुराना धीरे धीरे फेज आउट कर दिया जाएगा। इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? जो एटीसी के तहत छूट है वो नहीं मिलती है। उसका एक फ्लिप साइड ये है कि हम लोग जो है बहुत सारे लोग उनको सेव करने या इन्वेस्ट करने की आदत नहीं होती है, तो इसी बहाने एटीसी के बहाने ही कम से कम लोग साल में 1.5 लाख-2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे, सेव कर रहे थे उन इंस्ट्रूमेंट्स में जहां पर उनको एटीसी के तहत छूट मिलती है। अगर वो हटा दिया जाए, अभी नहीं, ग्रेजुअली फेज आउट होगा जब तक, तो ये आदत मुझे लगता है कि खत्म हो जाएगी लोगों की, और ये अच्छी चीज नहीं है। तो ये थी आज की कुछ घोषणाएं जो हमारे काम की थी, जिसका असर सीधे आपके पॉकेट पर होता है। अगर आप मुझसे पूछे कि आप कैसे रेट करेंगे इसको, तो मैं इसको 10 में से 7 नंबर तो जरूर दूंगी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद सैलरी क्लास मिडिल क्लास के लिए कुछ किया गया है, कुछ अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जो सुनने में और एक्सपीरियंस करने में काफी अच्छा लग रहा है। पुरानी घटनाओं को प्रेजेंट में बताना, आज बजट पेश हो गया ना, उसका इसीलिए कल पेपर खरीदना पड़ेगा तुम लोग सबको। खरीदे हैं आज का सर? अच्छा खरीदी है ना? यस सर। कौन? टाइम्स ऑफ इंडिया। हाँ उसे, और कल दोनों खरीद लेना है। कल दोनों टाइम्स से, कल टाइम्स से अपने हर हाल में खरीद लेना होगा। इंडिया और आए कल का पेपर खरीद लेना, कल का ना। हाँ हाँ हाँ, वो उसका कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे सामने, क्योंकि तुमको इसलिए कल खरीदना होगा कि बजट तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, और हम एक सप्ताह खाली बजटे